स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का ये जो दर्शन है हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म में, जिस प्रकार हमारे शरीर में पंच प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, यदि ये प्राण न हो तो शरीर शव बन जाता है, उसी प्रकार सनातन वैदिक हिंदू धर्म की पहचान उसके पंच प्राणों से है। और वो पांच चीजें हैं, पहली यज्ञ, जो सबसे पहली चीज है वो यज्ञ है, पंच यज्ञ यज्ञ। दूसरी बात संस्कार, 16 संस्कार, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसके ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया, यज्ञ 16 संस्कार, संस्कार विधि पूरा लिखा गया। और तीसरी बात चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषै ही अर्थ्यते इति, जीव मात्र जिसकी कामना करता है ये चार पुरुषार्थ, प्रत्येक जीव को उसके लिए प्रयास करना चाहिए। चौथी बात चार वर्ण की व्यवस्था, ये जातिगत नहीं, गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, जो भगवद गीता में भगवान ने कहा। यह बात अलग है कि वो गुण आनुवंशिक होते हैं, लेकिन गुण और कर्म के अनुसार चार वर्ण की व्यवस्था, जाति भेद नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस भेद को मिटा दिया, उस पाखंड के ऊपर प्रहार किया, जाति भेद नहीं, वर्ण व्यवस्था। और पांचवी बात पुनर्जन्म, ये पांच बात जो जहां है ये सनातन वैदिक हिंदू धर्म है। और ये पंच प्राण के साथ सनातन वैदिक हिंदू धर्म हो, फिर हम आर्य समाजी हो, हम अन्यान्य संप्रदायों के हो, फिर हम निराकार की उपासना करने वाले हो या साकार की उपासना, वो सारी बातें गौण हैं। मुख्य बात ये पांच प्राण से अनुप्राणित जो है वो सनातन वैदिक हिंदू धर्म और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज। कितना सुंदर, इनके नाम पूज्य स्वामी जी के, महर्षि जी के नाम में दया भी है और आनंद भी है, आनंद अपने लिए और दया संपूर्ण जो अस्तित्व है उसके लिए, और दया तो धर्म का मूल है।